हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुन्द्र में पानी भले ही अपार है पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार होता है। ना ही कद बड़ा होता है और ना ही पद बड़ा होता है, बड़ा तो वह होता है जो मुसीबत में एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा होता है। राम राम सा खमा गणित, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 61 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, 2-3 घंटा इंटरनेट नहीं आला है तो ऐसा हुआ कि साधु सन्यासी लोग जीवन कितना कठिन ही बुरी होवेला। देखो सा, अमेरिका में एक्सीडेंट होवे तो सब लोग बोले ओ गॉड, पाकिस्तान बोले या अल्लाह, नेपाल में एक्सीडेंट होवे जन बोले हे भगवान, हमारे मारवाड़ में एक्सीडेंट होवे जन बोले आया मजा, बड़े तेज दौड़ा था मान है। वोट डालने गए एक सराबी ने वोटिंग मशीन के सामने सोचने में 10 मिनट लगा दिए। पुलिंग ऑफिसर ने पूछा कि मशीन में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो सराबी वोटर ने बोला मशीन में तो कोई समस्या नहीं है, पर साला याद ही नहीं आ रहा है कि रात को 2 वोटर देने वाले का चुनाव चिन्ह क्या था। जो मित्र अपने मित्र की पिटाई देखकर अपने घर की तरफ भाग जाए उसे गद्दार नहीं समझना चाहिए, हो सकता है वो तलवार लेने भागा हो। गांधी जी ने कहा था रिश्वत लेना अन्याय है, हमारे अफसर अधिकारी कर्मचारी समझ बैठे रिश्वत लेना अन्याय है। एक आदमी लुगई माई कहेगी, लुगई पति ने फोन करियो, जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो तुम्हारी फोटो देख लेती हूँ। तो पति बोले अच्छा तो फिर मेरी आवाज़ सुनने के लिए क्या करती हो। कुछ नहीं, बस कुत्ते को लात मार देती हूँ। पप्पू बोले मेरे दांत में बहुत दर्द है, मैं क्या करूँ। तो परवीन बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे दांत में भी एक बार ऐसा दर्द हुआ था, मैं अपने घर गया और पत्नी के चुम्बन से एक सारा दर्द खत्म हो गया। तो बोले कि मेरी मानो तो तुम भी ऐसा ही करो, क्या तुम्हारी पत्नी इस बात के लिए राजी हो जाएगी। एक आदमी रमेश से सवाल पूछियो, हेरे रमेश यार, थारी सास और थारी बहू ने एक साथ शेरे समय पिंजरे में छोड़ दिया तो तू पहले किने बचाई। तो रमेश जोरू हंसते हंसते बोलियो, आई कोई पूछने की बात है कि मैं तो शेर ने बचाऊं, आखिर दुनिया में शेर बच्चे ही कितना है। देखो सा, जिन दिन माँ बाप की दुआ कबूल होगी नहीं उन दिन सभी मोबाइल कंपनी ने आग लांगनी तय है। गाइड बोलियो, आप सबका नियोग्रो फोर्स में आपका स्वागत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विशाल वाटरफॉल है, यहाँ से गिरते पानी की आवाज इतनी तेज है कि यहाँ एक साथ 20 सुपरसोनिक जहाज भी यहाँ से गुजर जाए तब भी उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। अब मैं भारतीय महिलाओं से गुजारिश करूंगा कि वह प्लीज शांत हो जाए ताकि हम नियाग्रा फॉल्स की आवाज सुन सके। बेटी बोले मैं अपने पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ ही भाग रही हूँ। पिता बोला अरे वाह बहुत बढ़िया, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए। तो बेटी बोली पापा मैं चिट्ठी पढ़ रही हूँ जो मम्मी रख कर गई है। रमेश एक छोरी देख देख तो थम्बे उठक रह गयो, खनिज एक नाड़ो चल रहे तो उनमें ही न पड़ गयो। भीड़ उनमा था हंसन लागी पर मैं नहीं हंसा क्योंकि मैं अब नहाने जा रहा हूँ। किसी झूठे मक्का ढोंगी बाबा के प्रवचन सुनने से तो अच्छा है किसी अनुभवी आदमी से शराब पीते वक्त जिंदगी के कड़े अनुभव सुन लेना। रमेश बोले यार तुम्हारे घर की मक्खियाँ बहुत तंग करती है, बार बार मेरे ऊपर आके बैठ जाती है। परवीन ने बोली मैं भी इनकी आदत से परेशान हूँ, जो भी गंदी चीज दिखती है उन पे बैठी जाती है। श्रीमान आंधी देवता पीछे आंधी धीरे चलावन हेतु नम्र निवेदन है कि आजकल मारवाड़ में आंधी अणुती तेज हाल रही है, हिनान करने रो भी जी कौन करे, गरु बारे निकला जन बापा हूँ भोपड़े दौड़ी भेजावे, माता बाल यहाँ लगे जान को भूत बनाने आयो, अतः थोड़ो अनुरोध है की थोड़ी आंधी धीरे लो। आप राज्य करी शिष्य नाम को नहीं बताऊ। डॉक्टर साहब रमेश ने पूछा कि भाई थन बीमारी कही है, तो रमेश बोलियो पहले आप वादा करो कि आप हंसोगे नहीं। तो डॉक्टर बोले ओके प्रॉमिस। तो रमेश आपकी टांग बताई है गन्ने जी थी पतली थी, तो डॉक्टर ने वो देखने हंसी आएगी। तो रमेश बोलियो कि आपने ना हंसने का वादा किया था ना, तो डॉक्टर बोले अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी आप तकलीफ बताइए। तो रमेश बोले डॉक्टर साहब आप सूझगी है। तो डॉक्टर बोले भाग साले यहाँ से मुझे हंसाने के लिए आया है तू। लड़कियाँ कभी प्रपोज नहीं करे, कि बरसों पहले सुपन का भी कोशिश करी थी जब उन्हें ना काट दी, वो डर आज भी जिंदा है। क्यों बड़े बड़े ध्यान आया जन सोचा बता दू। एक बार पंडित जी मां रमेश मड़ूजगा, रमेश यो पंडित जी ने प्रश्न करियो वह कौन सी वस्तु है जिसकी कदे ही अपवित्र नहीं हो। पंडित जी आपने टोपी उतारे ने पसीने पसीने बह गया, पर रमेश प्रश्न का जवाब तो दे ही नहीं पाया, आखिर हार कारण बोलिया के वाह भाई तू ही बता दे। तो रमेश जवाब दियो टेंट हाउस रा गद्दा जिन्हें हिंदू मुसलमान लेन हर धर्म रा लोग इस्तेमाल करे, ए गद्दा मयो तू लेन पूजा पंडाल तक धार्मिक कथा लेन उठावने तक मौका में बिछी जे, यहाँ ना तो कोई सुतक लागे ही नहीं, बाराता भी इन गद्दा माता सोम रस पिए, छोटा टबरिया इन माता सुविधा रे अनुसार पेशाब कर देवे, इतो ही नहीं इन माता बिछी चदरा जूता भी चमकाई जावे। हद तो
याद हो जावे कि कंदो इन महीने पनीर गालने भी लटका दे और उन्नीस पनीर वापा मटर पनीर खावा और पंडित जी चारों खाना चित हो जावे। रमेश पंडित जी ने पानी छटा देने उठावे। उम्मीदें तैरती रहती है और कश्तियां डूब जाती है। कुछ घर सलामत रहते हैं आंधिया जब भी आती है। बचा ले हर तूफान से उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। राम राम सा खमा गड़ी जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और पीआरजी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। बहुत जल्द मिले नावला आप वास्ते मारवाड़ी कॉमेडी सौभाग 62।